आज सांबादिक सम्मेलन में समस्त स्वागत करुच्ची कथा हूँ आज सांबादिक सम्मेलन डाकबार उद्देश्य हूँ आम नवनिर्माण कृषक संगठन तरफ प्रथम पर्यायर आम आठ जन प्रार्थी नाम घोषणा करूँ द्वितीय पर्यायर मुझे घोषणा करी जो भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ठिया हे से निर्वाचन लड़ी एवं तृतीय पर्यायर आम आज हाराहारी पांच जन प्रार्थी ना घोषणा करने सहित चौदह तारीख में इस्ताहार घोषणा एवं चतुर्थ पर्याय चाषी जो प्रार्थी तालिका घोषणा कर सतर तारीख में आम जो घोषणा करूँ जे नवीन पटनायक विरुद्ध लड़बू और जो बीजेडी तरफ चिठा आसला नवीन बाबू लड़े हिंजिली तेणु आम हिंजिली अभियान आरंभ तो हरारी हो जा किंतु विधिवत भाव आम आरंभ करूँ सतर तारीख रु हिंजिली अभियान एवं सतर तारीख रु गोटे हिंजिली अभियान क्रमगत भाव में चलो से जो हिंजिली अभियान सतर तारीख आरंभ हे भुवनेश्वर आरंभ हे हिंजिली पहुँचव और हिंजिली भी लोक सेठिकार गंजाम सारणी लोक पहुँचे गोटे महासमावेश हम इटा मूल कथा हूँ हिंजिली आज जो आम नवीन पटनायक विरुद्ध प्रार्थी घोषणा कलु जेतेबेले आज देखा जाऊची दीर्घ चबीश वर्षर शासन भितरे आज जेतेबेले पुणी नवीन बाबू षष्ठ थर निर्वाचन लड़िया को जाउचंती सेतेबेले केही तांक विरुद्ध रे प्रार्थी हवा पक जाऊ नहंती चाहे बीजेपी रो महान नेतृत्व जो मैंने अच्छा सी मनमोहन बाबू हूँ सी आपणकर शरद पटनायक ठार आरंभ कर जो मैंने भी मुख्य नेतृत्व अच्छा कांग्रेस और बीजेपी एवं से माने आउ लड़ियापाई साहस करूना भावुले मेट करे मेट है कहले आम विरोध में लड़बू कितु विरोध में लड़िया भाई लड़ूना तेणु साधारण महल जो मेसेज जाऊँगी नवीन बाबू विरुद्ध कई लड़ी पारे ना सी अप्रतिद्वंदी नेता एवं दल भी बीजेडी दल भी अप्रतिद्वंदी एवं ताद लड़ी पारे ना से ये जो महाअभियान आम लड़ाई आरंभ कर खुलासा करे नवीन बाबू ये 25 वर्ष भितर ओडिशाटा को छारखार कर ओडिशार दुर्नीति को चरम सीमार पहुँचाई ओडिशार खणी पानी लुट्र जो चली लुट को भी गोटे चरम सीमार पहुँचाई आज जी देखा जाऊँ स्वास्थ्य शिक्षा ठार आरंभ कर सबु क्षेत्र में आज ओडिशा अवहेलित तो, कृषि क्षेत्र में दीर्घ 14 वर्षर आंदोलन देखला धारा 21 आम आंदोलन करूँ कितु धारा 19 जोटा आमर मतव्यक्त करार अधिकार समस्ते निजर मतव्यक्त करने स्वाधीन मतव्यक्त करने बिना अस्त्रशस्त्र निज प्रतिनिधि सभा आगे मतव्यक्त करने आसीपर विधानसभा किंतु चाषी मैंने आसीपारे ना 2016, 2018, 2019, 2022 सबुले चाषी को घेरिले सबुले चाषी को निर्यातना दे चाषी को तार मूल अधिकार को सब्यस्त करने जो मतव्यक्त करार अधिकार संविधानिक धारा 19 को तार छड़े ने से आम निष्पत्ति नेलु चाषी मैंने निजे निज मेरुदंड को सीधा कर लड़े और निज गोड़े निजे ठिया हे निजे विधानसभा लोकसभा निज प्रार्थी पठेबे से आज जो निष्पत्ति आम नहींचु से क्रम आम नवनिर्माण कृषक संगठन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नई पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा नहीं जाऊँगी एवं गोटे इस्ताहार घोषणा करने जाऊँगी जो इस्ताहार पूरा ओडिशा रे प्रति घरे घरे जीव एवं हिंजिली रे प्रति व्यक्ति पर्यंत पहुँचव एवं नवीन बाबू किभली भाव में पूरा ओडिशा को धराशायी कर शोषण चरम सीमार पहुँचाई दुर्नीतिर चरम सीमार पहुँचाई से ही कथा को नहीं प्रदीप बाबू आम गहन अच्छा से सब अच्छा अन्य समस्त अच्छा प्रदीप बाबू जानते केस फाइल हो कथा के नहींक्र ब्लैक रोज घटना को लेकर माने गोटे जहाज बुड़गला गोटे दिन पर 21,000 टन लुहापथर बुड़गला तमें प्रतिदिन जदि लुहापथर ये जाऊे 3 वर्ष 4 वर्ष भितर के लुहापथर जा कंपानी जी भागीदार सीए नवीन सहित ओतप्रोत भाव जड़ित से आम कहीपरबानी आउ किए इनवल्व अच्छा करपसन में मतलब लगे ब्लाक रोज घटन बोधे नवीन बाबू इनवल्व अच्छा से ही जिते दुर्नीति से दुर्नीतिर मूल मंजी होती नवीन पटनायक मुख्यमंत्री निजे आमर इस्तार प्रथम दाबी रहिबो
प्राइस प्रेस्टीज पेंशन तो पर कथा किंतु प्रथम दाबी रहिबो जे ये नवीन बाबू जो माने ये भ्रष्टाचार करचंती से माने जेल जिवे एवं जेल जिवा पर्यंत नवनिर्माण कृषक संगठन जोरदार लड़ाई लड़िबो। ठीक सेमती जदि 1% चाकरिया बजेट रो 50% नहीं जिवे ताले 80% चाषी बजेट रो 50% काहीकि नेबेनि। गत वर्ष 2,55,000 कोटी टंका ई मार्च जो बजेट पास हला 2,55,000 कोटी टकरु 1% चाकरिया नहीं गले 1,03,000 कोटी टाँह ताले चाषी काहीकि 1,03,000 कोटी टाँह नबना। ये तमाम बिंदु को नहीं लड़ाई लड़ब एवं ए बिंदु को नहीं पूरा खुलासा करने जनता पर्यंत पूरा घर घर को जीव एवं यही कथा जागृत कराइब संगठित कराइब एवं नवीन बाबू निश्चित भाव हारे बीजेडी निश्चित भाव धराशायी हम एवं चाषी सरकार प्रतिष्ठित हम तेणु बीजेडी बीजेपी कांग्रेस आम नाई दरकार आमर दरकार चाषी सरकार ये उद्देश्य को लेकर आम यही अभियान को लेकर हिंजिली अभियान 17 तारीख आरंभ कर मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से बृत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर।